नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एमएस वर्ड 2019 में क्विक पार्ट के सभी ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। क्विक पार्ट के सभी ऑप्शन जैसे कि ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फील्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इन सभी ऑप्शन के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानेंगे एमएस वर्ड 2019 में आप ऑटो टेक्स ऑप्शन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यदि आप किसी भी टेक्स को या किसी इमेज को परमानेंट एमएस वर्ड में स्टोर करके रखना चाहते हैं ताकि जरूरत होने पर एक शॉर्ट वर्ड की सहायता से उस डॉक्यूमेंट में जहां चाहे वहां पेस्ट कर सकें, तो उसके लिए आप ऑटो टेक्स ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऑटो टेक्स एक तरह से एमएस वर्ड का एक शॉर्टकट फीचर है जिसकी मदद से एक ही तरह के टेक्स्ट को बार बार टाइप करने से बचा जा सकता है। इसकी सहायता से आप कंपनी लोगो, कंटेंट, इन्फॉर्मेशंस, डिस्क्लेमर जैसी डिटेल्स जिनकी आपको हर बार ज़रूरत होती है उन्हें बड़ी सरलता से डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन लगभग एक ही तरह से काम करते हैं। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि ऑटो टेक्स्ट में जब आप चाहेंगे तभी टेक्स्ट कॉपी होगा, जबकि ऑटो करेक्ट बिना आपसे पूछे अपने आप ही यह चेंजेस कर देता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और नीचे हमने एक स्टोरी लिखी है और हमें बार बार इस इंट्रोडक्शन को लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में आपको राइट साइड में टेक्स्ट वाले मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करके ऑटो टेक्स्ट फीचर पर जाना है। ऑटो टेक्स्ट फीचर पर जाने के बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर नेम का एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको वो नाम देना है जो कि आप इस मैटर को देना चाहते हैं, यानी कि ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है तो इसलिए हम इसको नाम दे देंगे इंट्रोडक्शन। आप अपने हिसाब से जो भी मैटर का नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा गैलरीज का। गैलरी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस, वाटरमार्क्स। इनमें से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो हम बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। ऑटो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कैटेगरी का। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आपको दिखाई देंगी, जैसे जर्नल, स्टोरी या सामान्य की। इसमें से आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट न्यू कैटेगरी का। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी का नाम दे करके उसको ऐड करा सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई हुई है जो कि स्टोरी के नाम से है, तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्टोरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये जो इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आप जहाँ पर भी इस इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा, जो नाम आपने यहाँ पर सेव किया था। तो हमने नाम दिया था इंट्रोडक्शन। जैसे हम यहाँ पर 3 से 4 वर्ड टाइप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज में आपके सामने लिखा होगा कि जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका वो पूरा इंट्रोडक्शन जो कि आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मैटर को ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी हिस्ट्री देखनी है कि आपने कितने मैटर्स को यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है तो उसके लिए आपको इसी ऑप्शन पर फिर से जाना होगा, यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट पर जाना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के नाम से यहाँ पर एक मैटर सेव करके रखा हुआ है जो हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके भी उस मैटर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका नाम या कैटेगरी को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वापस से उसी ऑप्शन पर जाना होगा, ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन पर जाना होगा और जो आपने गैलरी यहाँ पर सेव की है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडिट प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन। एडिट प्रॉपर्टी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी।
और इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहें, जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें, वो आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप कैटेगरी चेंज करना चाहें, या फिर गैलरी चेंज करना चाहें, या फिर इंट्रोडक्शन का कोई नाम यहाँ से चेंज करना चाहें, तो तीनों काम को आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। MS Word 2019 में आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑप्शन का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं? यदि आप किसी भी टेक्स्ट को परमानेंटली MS Word में स्टोर करके रखना चाहते हैं, जैसे कि कोई एब्स्ट्रैक्ट, कोई ऑथर, कैटेगरी, कोई कमेंट, किसी कंपनी का नाम, कोई ईमेल, कोई फ़ोन नंबर, कोई भी टाइटल या किसी भी तरीके का कोई भी सब्जेक्ट, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उस वर्ड को कहीं पर भी आसानी से इंसर्ट कर सकें, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एक तरह से MS Word का शॉर्टकट फीचर है, जिसकी मदद से एक ही तरह के टेक्स्ट को बार बार टाइप करने से बचा जा सकता है। इसकी सहायता से आप कंपनी नेम, कंटेंट, इन्फॉर्मेशन, पब्लिश डेट जैसी डिटेल्स, जिनकी आपको हर बार ज़रूरत होती है, उन्हें बड़ी सरलता से डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस, जैसे कि MS Office, CorelDRAW, Photoshop, TeleProime इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए आपको जाना होगा MS Word के इंसर्ट टैब में। यहाँ पर आपको टेक्स्ट मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का। इसमें आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट, किसी ऑथर का नाम, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी, कंपनी एड्रेस, ईमेल, फैक्स, फ़ोन नंबर, कीवर्ड्स, मैनेजर, पब्लिश डेट, स्टेटस, सब्जेक्ट और टाइटल। इनमें से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस वर्ड को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऑथर पर क्लिक किया, ऑथर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर एडमिन लिखा हुआ आ गया। इस एडमिन को हमने यहाँ से कट कर दिया, और कट करने के बाद यहाँ पर हमने अपना नाम टाइप कर दिया, जैसे विनोद कुमार पांडे। अब इसके बाद इस वर्ड को अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और जब भी मुझे ये नाम दोबारा चाहिए होगा तो मुझे उसी ऑप्शन पर जा करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके यहाँ पर सिर्फ ऑथर को सिलेक्ट करना होगा। आप देखेंगे वो नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं कंपनी का नाम। कंपनी नेम में हमने यहाँ पर टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक। इसके बाद हमने इसको भी यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जब भी हमें कहीं पर कंपनी के नेम की ज़रूरत होगी और हमें वो कंपनी का नाम यहाँ पर चाहिए होगा, तो हम अपनी प्रॉपर्टीज़ में जा करके सिर्फ हमें कंपनी नेम को सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम कंपनी पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारा कंपनी का नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ। आप वापस से प्रॉपर्टीज़ में जाइए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाइए। यहाँ से हम ले लेते हैं किसी भी मैनेजर का कोई भी नाम। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया मोहन सिंह, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद कहीं पर भी मान लीजिए हमने एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बीच में अगर मुझे मैनेजर का नाम इंसर्ट करना है तो मुझे सिर्फ उस जगह पर क्लिक करना होगा और वापस से प्रॉपर्टीज़ में जा करके यहाँ से मुझे मैनेजर को क्लिक करना होगा। मैं जैसे ही मैनेजर पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे मोहन सिंह यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं MS Word। MS Word 2019 में आप फील्ड ऑप्शन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यदि आप अपने द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट में किसी फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि फाइल का नाम, पेजेस, वर्ड, कैरेक्टर्स, डेट एंड टाइम एक्सेट्रा, तो आप फील्ड ऑप्शन की मदद से जान सकते हैं। बस आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 की कंप्यूटर के लिए, और यदि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस FN की के साथ आपको F9 प्रेस करना होगा, और आपके सामने इस तरह का एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। आपको केवल इस ब्रैकेट के अंदर फील्ड्स का कोड टाइप करके F9 दबाना होगा। आपके फील्ड की जानकारी आपको दिखाई दे जाएगी।
चलिए अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। फील्ड ऑप्शन का यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमने कुछ फील्ड्स लिखी हुई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, कुछ फील्ड कोड्स लिखे हुए हैं। इन कोड्स को कहाँ से फाइंड किया जाता है, इसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट मेन्यू के अंदर जा करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसमें आपको फील्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस फील्ड ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे कोड्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे, जिसकी मदद से हम यहाँ पर अपने फील्ड को रिप्रेजेंट कराएंगे। तो इसके लिए हम इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ से कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब ये जो हमने फाइल बनाई है, इस फाइल का नाम क्या है, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं इस फील्ड को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+F9। Ctrl+F9 प्रेस करने के बाद जो भी हमने यहाँ पर फील्ड कोड लिखा है, वही फील्ड कोड यहाँ पर हमें टाइप करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ फाइल नेम। फाइल नेम लिखने के बाद जैसे आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9, तो आप देखेंगे इस फाइल का नाम आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। जबकि इस फाइल का नाम हमने क्या लिखा है, फील्ड्स लिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमने इस फाइल का नाम फील्ड्स लिया हुआ है, तो वो फाइल नेम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल पेजेस कितने यूज़ हुए हैं, तो उसके लिए भी आप इस फील्ड कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप फील्ड कोड का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा इसी ऑप्शन पर, और यहाँ पर फील्ड को सिलेक्ट करके इसका जो फील्ड कोड है वो है नम पेज। तो यहाँ से हमें सर्च करना होगा नंबर ऑफ पेजेस। नम पेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना होगा। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 2 लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पेजेस का यूज़ कर रखा है। देखिए फर्स्ट पेज वो है और सेकेंड पेज हमारा ये है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने टोटल वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं, तो वर्ड्स के लिए भी आप इसी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, वापस से इसी ऑप्शन पर जाते हैं, और इसका जो फील्ड कोड है वो है नम वर्ड। नम वर्ड को सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे टोटल वर्ड्स यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर फील्ड कोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+F9, और यहाँ पर आपको इज इक्वल टू यूज़ करना है। जो भी वैल्यू आप प्लस या माइनस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे मैंने 25+6 कर दिया और -2 कर दिया। इसके बाद जैसे ही मैं F9 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप फील्ड कोड का यूज़ कर सकेंगे। MS Word 2019 में आप किस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं? यह एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर MS Word के सभी प्रकार के फॉर्मेट्स जैसे कि ऑटो टेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, कवर पेजेस, टेबल, इक्वेशंस इत्यादि के फॉर्मेट्स आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। इन सभी फॉर्मेट्स को आप अपने हिसाब से एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाकर क्विक पार्ट गैलरी में सेव करते हैं तो वह भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा, और उस डॉक्यूमेंट को भी आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ पर आपको एक्सप्लोर क्विक पार्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको सभी फॉर्मेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपके टेबल्स हों, चाहे वो आपके इक्वेशंस हों, सिम्बल्स हों, वाटर मार्क्स हों, या फिर आपके हेडर एंड फुटर्स हों। तो इनमें से आप इन सभी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली आप यहाँ पर एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कवर पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कवर पेजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से किसी भी कवर पेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए अब एग्जांपल के लिए हमने इस वाले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट बटन पे क्लिक किया। जैसे हम इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा वो फॉर्मेट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, और इसके बाद यहाँ पर हम इसका टाइटल ऐड करके इस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने टाइटल में टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक। एक्सेल इन्फोटेक लिखने के बाद इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडमिन। एडमिन में आप जो भी ऑथर का नाम देना चाहें वो एडिट कर सकते हैं।
कोई कंपनी का नाम अगर देना चाहें वो एडिट कर सकते हैं, और अपनी कंपनी का एड्रेस देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस कवर पेज का यूज़ कर सकते हैं। यही फीचर आपको इंसर्ट टैब में यहाँ पर दिखाई देगा। इस कवर पेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिखाई देंगे। इन फॉर्मेट्स का आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको और ज़्यादा फॉर्मेट चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसी ऑप्शन पर जा करके यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कवर पेजेस मिलेंगे, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इक्वेशंस नज़र आ रहे हैं। इनमें से आप कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सब कुछ डिलीट कर दिया, और इसके बाद हम चले जाते हैं वापस से उसी ऑप्शन पर, और यहाँ नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर इक्वेशंस। इसमें से कोई भी इक्वेशन आप सेलेक्ट करके जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो आपका वो इक्वेशन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें एडिट करके इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम वापस से इसी ऑप्शन पर जाते हैं, और उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे, आपको यहाँ पर हेडर और फुटर भी दिखाई देगा। आप इसका भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर टेबल्स भी दिखाई देंगी, जिसमें से आप किसी भी टेबल फॉर्मेट को सिलेक्ट करके उसको भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने इस वाली टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं, एडिट प्रॉपर्टी का और डिलीट का। आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आपका ये डेटा डिलीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये दिखाई नहीं देगा। और एडिट प्रॉपर्टी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टी के साथ वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे गैलरीज में यहाँ पर हमने फॉर्मेट दिया हुआ है टेबल्स का, कैटेगरी में हमने बिल्ड इन दिया हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से मान लीजिए हमने इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करके इंसर्ट किया, इंसर्ट करते ही आपके सामने टेबल का फॉर्मेट इंसर्ट हो गया। आप इसको एडिट करके यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इंसर्ट टैब में अगर आप चाहेंगे तो यही सभी टेबल के फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्विक टेबल्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आपको दिखाई देंगे। अब इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेट चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इसी जगह पर और भी एक्स्ट्रा फॉर्मेट्स दिखाई देंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज़ करना चाहते हैं, या फिर हमने कोई स्टोरी लिखी है आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे हेलो के नाम से हमने यहाँ पर एक ऑटो टेक्स्ट तैयार किया हुआ है, जिसको भी आप जब चाहें तब इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो हमारी स्टोरी इंसर्ट हो गई। हम इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देते हैं और फ्रेशली आपको इंसर्ट करके दिखाते हैं। यही फीचर आपको देखना है तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमने ये हेलो के नाम से स्टोरी लिखी है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो स्टोरी यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। सेम एज इट इज़, इसी तरीके से आप इस फीचर पर जा करके भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो वही सेम डाटा आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी फॉर्मेट्स हैं जो कि हमारे MS Word हमें रिप्रेजेंट करते हैं, कि आप इन फीचर का यूज़ करके इसमें एडिटिंग करके अपना कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, तो उसका सभी फॉर्मेट आपको एक जगह पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी फॉर्मेट्स दिखाई देंगे, फिर चाहे वो आपका वाटरमार्क क्यों ना हो। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दिखाई देंगे, ये सभी टेक्स्ट बॉक्सेस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वाटरमार्क भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन वाटरमार्क का भी आप अपने हिसाब से एडिट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और वाटरमार्क अगर आप देखेंगे तो आपको जाना होगा डिज़ाइन टैब के अंदर, और यहाँ पर आपको वाटरमार्क दिखाई देगा जिसमें आपको सिर्फ चार फॉर्मेट दिए हुए हैं वाटरमार्क्स के। इसके अलावा इसमें आप एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग भी कर सकते हैं, कस्टम वाटरमार्क में जा करके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप वहाँ से वाटरमार्क को इंसर्ट करके उसमें भी आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस को आपको जा करके ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह से उन सभी फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं। यही ऑप्शन है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।